नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित टेक में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सीएससी में जो नया सर्विस को ऐड किया गया है जिसका नाम है कि लाडली बहना योजना, तो इसका हम लोगों को आज फुल जानकारी देने वाले हैं कि इसके किस कौन लोग इसके पात्र हैं और इसका कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको हम समूह जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम समूह बताते हैं। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एक ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा जिसमें कि आपको हम सारा जानकारी दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको हम बताएंगे किस प्रकार से इस ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ये जो लाडली बहना जो योजना है इसका लाभ और विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि लाभ एवं विशेषताएं, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है वह 5 वर्षों में 60,000 करोड़ की राशि जो बहने हैं उनको देंगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि यदि महिला बुजुर्ग है या फिर 60 साल से अधिक है तो उन्हें विधवा पेंशन योजना की राशि 600 के साथ साथ योजना के 400 भी दिए जाएंगे। योजना से मिलने वाली धनराशि मध्य प्रदेश की लाडली बहना का आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। एंड यहाँ पे बोला गया है कि ऑफलाइन तरीकों से आसान पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर लाडली बहन योजना लाभार्थी के खाते में हर महीने के 10 तारीख तक पैसा पहुंच जाएगा। एंड यहाँ पे बोला गया है कि इस योजना के मध्य बिहार जो हमारा मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन पाएंगी। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं इसी में कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक भराएगा और इसके कब तक इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ बोला गया है कि फॉर्म होली और पंचमी के बाद 25 मार्च ले अप्रैल 2023 के अंत तक भरे जाएंगे। मतलब कि आपको अप्रैल 2023 का जो लास्ट मंथ है अप्रैल का, तो आपको अप्रैल तक ही फिलअप किया जाएगा। यहाँ बोला गया है कि लाडली बहना जो है उनका जो चयनित उम्मीदवार है उनको 10 तारीख तक उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये चले जाएंगे। तो ये था इसके लाभ और विशेषता। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो इसके पात्रता कौन है, कौन लोग इसे पात्र है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। तो बोला गया है कि इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की बहने को ही मिलेगा। जो माताएं बहने हैं मध्य प्रदेश का, ये उन्हीं को मिलेगा जिसका उम्र आपको 23 वर्ष से 60 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि मध्य प्रदेश की गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला लाडली बहना योजना के लिए पात्र होंगे, जो गरीब है और जो मध्यवर्गीय है। और यहाँ बोला गया है कि इस योजना में विवाहित अविवाहित जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो लिखा गया है कि इस योजना में विवाहित विधवा तलाकशुदा प्रतित्याग महिला भी शामिल है और बहन के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए तभी ये मिल पाएगा और आपके पास 1 एकड़ से कम कृषि भूमि होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ बोला गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की सभी लाडली बहना इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। इससे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि जो इसका आवश्यक दस्तावेज है वह परिवार का समग्र आईडी और स्वयं की समग्र आईडी होना चाहिए। पहले उनको समग्र के ई वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड आधार कार्ड चाहिए और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। समग्र में EKYC करना होगा। एंड यहाँ पे जो समग्र एवं आधार में जो जानकारी दिया गया है वो दोनों समान होना चाहिए। और MP मतलब कि मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के लिए आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, सब नहीं चाहिए। और बोला गया है कि सर्व अपडेट कार्य आधार EKYC 25 मार्च 2023 से पूरा कर रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वह किस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा, तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वह ओपन होकर के आएगा, जो कि आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ पे सॉरी यहाँ से कुछ अलग खुल गया, वो आपको हम दिखाते हैं कि जो आपका फॉर्म है कुछ इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको हम फिर दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डाउनलोडिंग है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोडिंग शुरू हो गया।
और हम दिखाते हैं कि जो फॉर्म है वह किस प्रकार का है। तो कुछ आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगा, इसमें आपको सारी जानकारी को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि आवेदक का समग्र आईडी, आधार नंबर, आवेदक का नाम, आवेदक के पति पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदक का पता एंड मोबाइल नंबर, विवाह की स्थिति सब कुछ करके यहाँ पे घोषणा पत्र में यहाँ पे सभी को टिक करना है। और ये जो आपका जो लिखा गया है कहाँ पे जमा करना है सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो ये फॉर्म की बात हो गई, और भी आपको हम जानकारी देने वाले, जैसे पहले हम बता देते हैं कि दोस्तों और जो फॉर्म है तो यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन कैसे करें इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आवेदन 25 मार्च से शुरू होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10 जून से शुरू होकर हर महीने की 10 तारीख को उनके बैंक खाते में 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी जो इसका सिर्फ घोषणा किया गया है, सरकार के ने इस योजना के तहत आवेदन पत्र भरने के लिए शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। इसका शिविर लगेगा आपके हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, जो कि आपको जाना होगा। और यहाँ बोला गया है कि ग्राम पंचायत कार्यालय में जाके वहाँ से अधिकारियों से बात करेंगे और पंजीकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक विवरण के साथ दस्तावेज प्रदान करेंगे। तो आपको हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में जो मध्य प्रदेश का है तो वहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाएगा और वहीं से इसका जो भी है सारा काम होगा। और यहाँ बोला गया है कि इस वेबसाइट है लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होती है तो आप लोग भी कर सकते हो। और यहाँ बोला गया है केवाईसी करने के लिए आपको इस प्रकार से सब कुछ केवाईसी करना है, जो यहाँ पे आई बटन में हम लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका केवाईसी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब आगे बात कर लेते हैं, जो बताया गया है कि इसका जैसे कि जो आपका फॉर्म है उसे फिलअप कर दीजिएगा। तो जैसे आप फिलअप कर दीजिएगा और जमा करिएगा तो जो आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो जो इसके नीचे का जो यहाँ पे है तो जो आपको आवेदन पत्र जो पावर्ती है नीचे वाला वह आपको जो ऑनलाइन हो जाएगा तो ये आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपका सब कुछ समग्र आईडी एंड जो आपका पंजीकरण संख्या है सब कुछ लिखा रहेगा। तो आप लोग इस प्रकार से जा करके अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में जा करके शिविर में आप भाग ले सकते हैं एंड वहाँ से मुख्यमंत्री लाडली योजना का जो लाभ है वह उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हम सारी जानकारी दे चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। टाटा जय।